इसके खिलाफ अगर आपने आज धरना किया तो धरने का कोई निकला, इसका निचोड़ निकला? कुछ भी निचोड़ नहीं निकला, कोई भी नहीं आया, ना धर्मेंद्र आया, ना एमएलए आया, ना सांसद आया, कोई भी नहीं आया। तो आपने धरना बंद क्यों किया? अगर आप धरना कर रहे तो आपका धरना, भैया पुलिस वाले फोर्स बुला ली, सारे सीआरएफएफ वाले आ गए, पुलिस वाले आ गए, एसीपी आ गए, कहते हैं कि हमारे यहाँ पे तुम्हारे अलाउड नहीं है धरना करना, आप लोग जहाँ भी है वहाँ करो, एमएलए से बोलो उसके घर जाओ, मगर उसके घर जाएंगे तो कोई सुनता ही नहीं है, कोई भी क्या करोगे? तो आप उसके घर के सामने धरना क्यों नहीं देते? उसके घर के सामने धरना दिया ना पुलिस वाले बुला के, सोनू तोमर को करवा दिया उसके अंदर, तो आप धरने की परमिशन लीजिए, परमिशन लेने के बाद उनसे बोलिए कि हम यहाँ पे धरना कर रहे हैं, तब तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। परमिशन किससे ले हम लोग? पुलिस वाले तो खुद ही आके धरना हटाते हैं, पुलिस वाले तो खुद ही उनके जो है क्यों नहीं निकलता है वो? पुलिस वाले तो उनकी सुनते हैं ना, हमारी नहीं सुनेंगे ना, पब्लिक की नहीं सुनती पुलिस वाले, जो पोस्ट पे बैठा होता है ना उनकी सुनती है पुलिस वाले। तो मतलब आपका ये है कि यहाँ पे जो पुलिस है वो आम जनता के लिए नहीं है, इन बड़े बड़े एमएलए एमपीओ के लिए, एमएलओ के लिए, ये एमएलए है एमपीओ इन सब के लिए, आदमियों को आम आदमी के लिए नहीं है, आम आदमी के लिए पुलिस आम आदमी आकर धक्का मार के डंडे मार के भगा रही है।